हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिनेश सर आईटी। और आज अपन बात करने वाले हैं आईटी में मेहमान प्रवक्ता के भर्ती के संबंध में। क्योंकि दोस्तों मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स थे और कॉल भी थे, तो उनके सवाल थे बहुत सारे। चलिए हम उस संबंध बताते हैं। यदि आपके इस संबंध में सवाल भी हैं तो आप लोग यहाँ पर सॉल्व यहाँ पर कर सकते हैं, मतलब आप समझ सकते हैं। तो देखिए, पहला ये इन्फॉर्मेशन थी कि क्या प्राचार्य महोदय द्वारा जो आमंत्रण पत्र की इन्फॉर्मेशन है वो किस माध्यम से दी जाएगी, मतलब कि भाई आपको आईटी में ज्वाइन करा रहे हैं वो तो आपको इन्फॉर्मेशन किस माध्यम से दी जाएगी। तो देखिए, पहला इसका जो कारण लिखा हुआ है बोले का नोटिफिकेशन में, ये रहा आपका नोटिफिकेशन जो ये आपका यहाँ पे 14/6 को यहाँ पर जारी हुआ था। अब देखिए इसमें दोस्तों यहाँ पर साफ लिखा हुआ है इस नोटिफिकेशन में कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि प्राचार्य या संस्था प्रमुख द्वारा मेहमान प्रवक्ताओं को मेरिट सूची अनुसार आमंत्रण पत्र निवास के पते पर पंजीकृत डाक के द्वारा, ठीक है ना, यानी पोस्ट ऑफिस द्वारा या ईमेल के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा या SMS पर भेजना सुनिश्चित करेंगे, ठीक है ना। मतलब आप लोगों को ज्वाइनिंग की इन्फॉर्मेशन या तो ईमेल पर भेजेंगे या व्हाट्सएप पर भेजेंगे या SMS पर भेजेंगे, ठीक है, ये भेजेंगे। और संस्था में उसका रिकॉर्ड भाई किसको कब भेजा है, किस डेट में भेजा है, किस में भेजा है, तो ये रखना पड़ेगा जो जो इसको ज्वाइन कराएगा, ठीक है ना। तो ये तो रहेगा यहाँ पर। अब दोस्तों यदि आपके पास मैसेज आता है ज्वाइन करने का और आपको ज्वाइन नहीं करना है तो आप उसको टेक्स्ट मैसेज में या लेटर में लिख के आप दे सकते हैं, ठीक है ना। जब आपकी भाई मुझे वहाँ पे ज्वाइन नहीं करना है किसी भी कारण, जो भी आपका कारण हो सकता है, पहले कंडीशन ये। दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरा सवाल ये बनता है कि सर ये बनता है कि हमारे नीचे आवेदक को ज्वाइन करा लिया और हमें कॉल क्यों नहीं किया गया। अब बहुत से आवेदक का क्वेश्चन भी आ रहा है मेरे पास। देखिए पहली कंडीशन तो ये है कि आपको ये चेक करना है कि जिस आईटी में आपके नीचे वाले आवेदक को ज्वाइन कराया है वहाँ पर जो पद है, जो सीट है, वो किससे क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है। क्या वहाँ ओपन सीट है या कोई रिजर्व सीट है। रिजर्व मतलब क्या वहाँ पर कोई डिग्री डिप्लोमा की सीट है। यदि ओपन सीट होगी तो दोस्तों वहाँ पर जो भी आवेदक पहले नंबर पाएगा, चाहे वो डिग्री वाला हो या डिप्लोमा वाला हो या IT वाला, उसको ज्वाइन कराया जाएगा। यदि सीट आपकी रहती है डिग्री डिप्लोमा वाली तो उस आवेदक को ज्वाइन कराया जाएगा जिस आवेदक के पास डिग्री डिप्लोमा है। IT वाले को यहाँ पर ज्वाइन नहीं कराया जाएगा, ये आप लोग क्लियर समझ लो। नेक्स्ट है हमारे, हमने ज्वाइन तो कर लिया लेकिन हमें दूसरी IT में ज्वाइन करना है, क्या करें। देखिए उसका एक कंडीशन ये है कि यदि आपके पास आप ज्वाइन हैं और आपके पास कहीं से कॉल आता है तो आप लोग चाहें तो जिस IT में आपने ज्वाइन कर लिया वो उसके संबंध प्राचार्य महोदय को आप लोग, ठीक है ना, यहाँ पे जो आपको IT में ज्वाइन नहीं करना इस संबंध में लेटर बना कर दे सकते हैं, ठीक है ना। तो आपका वहाँ से नाम रद्द हो जाएगा, ठीक है। फिर और दूसरी बात है कि उस प्राचार्य महोदय को जो भी आपका नाम पोर्टल पर वो हटवाना पड़ेगा, तभी आप किसी भी दूसरे IT में ज्वाइन कर पाओगे, अन्यथा आप लोग ज्वाइन यहाँ पर नहीं कर पाओगे किसी भी IT में। नेक्स्ट है मेरिट सूची अनुसार कितने माह तक ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए जो आपकी मेरिट सूची रहती है वो मैक्सिमम 6 माह तक वैलिड रहती है, और जो डायरेक्टर चाहें तो इसको अगले माह तक कुछ एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम वो 6 माह तक वैलिड आपकी रहती है। नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन में ओपन का क्या अर्थ होता है। देखिए आपके जो क्वालिफिकेशन है उसमें नीचे लिखा हुआ ओपन है, इसका मतलब होता है कि उस सीट पर आपका डिग्री वाला हो या डिप्लोमा वाला हो या IT वाला हो, कोई भी ज्वाइन यहाँ पर कर सकता है उस सीट पर। नेक्स्ट है क्या हम ज्वाइन नहीं करेंगे तो प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। देखिए यदि आपने ज्वाइन कर लिया है या आप ज्वाइन नहीं करेंगे किसी भी IT में, आपके पास कॉल आता है आप ज्वाइन नहीं करते, तो आप लोग चाहें तो उनको टेक्स्ट मैसेज में, लेटर, मेल या व्हाट्सअप ये कर सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। ये आपको देना देना आपको चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर नेक्स्ट है हमें अभी तक कॉल नहीं आया, क्या करें। देखिए मैं बता दूँ दोस्तों क्या होता है कि जो प्रोसेस होती है ज्वाइन कराने की वो मैक्सिमम 3 महीने तक चलती है अधिकतम। अब उसमें क्या होता है, मान लो हमने किसी कॉल लगाया या किसी ने किसी कॉल लगाया तो वो 1 दिन का 2 दिन का समय मांगता है, और बाद में वो मना करता है, किसी कारण से मना कर देता है कि वो ज्वाइन नहीं करना है। तो इस कारण से ये प्रोसेस धीमी हो जाती है दोस्तों। बाकी आप लोग वेट करें, और आप लोगों को पहले चेक करना है कि किस किस जो आपने फॉर्म भरे थे उसमें से किस किस IT में ज्वाइन हो चुके हैं, किस किस IT में अभी पद अभी ज्वाइन नहीं हुए, तो आप लोग पोर्टल एक बार देख लें। क्योंकि जो भी आवेदक हैं उनको कॉल किया जाता है, टाइम लगता है, इस तरह की प्रोसेस रहती है। तो बहुत सारे आवेदक कमेंट इस संबंध में आपके, हो सकता है कुछ डाउट क्लियर यहाँ हो गए होंगे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जगह के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके दोस्तों।